गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड वेल एट योर होम. एज यू नो, आई एम राकेश कुमार, योर SST टीचर, एंड टुडे वी विल कवर द 7th चैप्टर ऑफ क्लास 5, दैट इज द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डेंस फॉरेस्ट और थिक फॉरेस्ट. द रीजन ऑन द अर्थ फ्रॉम 10 degree नॉर्थ टू 10 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन. Now, this is our earth. It is the equator whose value is 0 degree. Okay? तो यह हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ पर यह इक्वेटर को दिखाया गया है. ठीक, अब हम लोगों को इक्वेटोरियल रीजन पढ़ना है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट जो है ये इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ही होता है. तो इक्वेटोरियल रीजन को हम इस ब्लू कलर से टेन डिग्री नॉर्थ एंड 10 degree साउथ, ये हमारा है इक्वेटोरियल रीजन. ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों को इस रीजन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, द रीजन ऑन द अर्थ फ्रॉम 10 degree नॉर्थ टू 10 degree साउथ, 10 degree नॉर्थ टू 10 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन. दिस रीजन रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल. अब ये जो रीजन है, यह थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर सन का जो रे है वह ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यह रिसीव करता है, और रेनफॉल भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, और यही रीज़न है, दैट्स वाई द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन आर वेरी थिक और डेंस. और यही रीज़न है, यही कारण है क्या कि यहाँ सनलाइट और रेनफॉल दोनों ही बहुत ज़्यादा यह एरिया रिसीव करता है, जिसके कारण यहाँ पे फॉरेस्ट कैसे होते हैं तो वेरी डेंस होते हैं, यानी बहुत घना होते हैं. ठीक है, और बड़े बड़े और ऊंचे लंबे पेड़ पाए जाते हैं इसी रीजन में. ठीक है, अब ये तो हमारे अर्थ के ऊपर मैंने इसको समझाया, अब आप ग्लोब के ऊपर देखिए. लुक एट हियर, दिस इज द इक्वेटर. ओके, फ्रॉम द इक्वेटर 10 degree नॉर्थ, 10 degree नॉर्थ एंड 10 degree साउथ, दिस रीजन इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन एंड डेंस फॉरेस्ट आर लोकेटेड हेयर. ओके, इसी रीजन में डेंस फॉरेस्ट हमें मिलते हैं. अब कहाँ कहाँ मिलेगा, अब वो देखिए, DRC यानी कांगो. ठीक है, जायरे, जाम्बिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जकार्ता, जावा, ओके, एंड ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर एट्सेट्रा. तो ये सब रीजन हैं जहाँ डेंस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, नाउ व्हाई डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड हियर, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन. तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ये है क्लाइमेट. ठीक है,
दिस इज द टॉरिड जोन. और जैसा मैंने बताया पहले, यह कौन सा जोन है, तो टॉरिड जोन है. 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, दिस इज कॉल्ड टॉरिड जोन ऑल्सो, इक्विटोरियल और टॉरिड जोन. दिस इज द टॉरिड जोन व्हिच एक्सपीरियंस वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. ठीक है, तो क्योंकि इक्वेटर के पास इस रीजन में हैवी रेनफॉल होती है और हॉटनेस यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सन रिसीव यह ज़्यादा करता है. हमारा जो अर्थ है इसके शेप के कारण, ठीक है, इसका शेप जो है कर्वेचर शेप है. तो सन, सपोज यह सन है, तो सन का रे जो है वह डायरेक्ट इक्वेटर पर क्या होता है कि सालों भर इस तरह से पड़ता रहता है एक जैसा बराबर की, ठीक है, इस तरह से. ओके, तो यह एरिया जो है इक्वेटोरियल रे एरिया सन का रे को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करता है. ओके, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, फिर साउथ पोल की ओर जाएंगे, यह रे जो है वह क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. अब यहाँ एक टर्म आया, ह्यूमिड. व्हाट इज ह्यूमिड? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और ह्यूमिड. ह्यूमिड यहाँ इसका मैंने डेफिनेशन दे दिया है. ह्यूमिड, हाई लेवल ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, यानी एटमोसफेयर. हम यहाँ पे क्लासरूम में हैं, ठीक है, अब हमें यहाँ कोई वाटर तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ भी वाटर है, और वह किस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है. यानी वाटर का जो वेपरेशन होता है वह वेपर इस क्लासरूम में भी प्रेजेंट है. ठीक है, ठीक उसी तरह से वहाँ इक्विटोरियल रीजन में इस एरिया में बहुत सारा वाटर वेपर होता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वह क्या करता है, वेपराइज करता है अर्थ के वाटर को, हमारे इन्वायरमेंट में या हमारा एटमोसफियर में भेजता है. ठीक है, नेक्स्ट, द इवेपोरेशन इन वाटर बॉडीज. अब इस एरिया में बहुत सारा वाटर बॉडीज भी है, ठीक है, रिवर्स हैं, अमेजन, कॉन्गो, नाइल, ठीक है, ये सब रिवर हैं. तो ये जो रिवर तो है ही, और साथ ही क्या है, बहुत सारे सीज और ओशियन. आप यहाँ पे मैप में देखिए इसको, लुक एट हियर, दिस इज द इक्वेटर एंड 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ, इट इज इक्विटोरियल रीजन और टॉरिड जोन. ओके, अब देखिए यहाँ कितना से कितने सारे वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न पैसिफिक और ये वेस्टर्न, और सी एंड ओशियन. अपार्ट फ्रॉम सी एंड ओशियन देर आर मैनी रिवर्स इन दिस रीजन. ओके, तो ये जो वाटर बॉडीज है, इस वाटर बॉडीज में, क्योंकि जब हम लोग अपने किचन में देखते हैं मम्मी को चाय उबालते हुए या जब खाना बनाती है, ठीक है, तो उनके पास एक छोटा सा पैन होता है, छोटा सा एक पॉट होता है. तो क्योंकि काफ़ी छोटा पॉट होता है तो उससे वेपरेशन भी काफ़ी कम होगा, बट जैसे जैसे हम पॉट को बड़ा करते जाएंगे, यानी सरफेस एरिया हमारा बड़ा होता जाएगा, तो वेपरेशन भी ज़्यादा होगा. तो अर्थ पर क्योंकि 71% अप्रॉक्सीमेटली 71% वाटर है, तो वेपरेशन ज़्यादा होगा, और इस एरिया में सन रिसीव ज़्यादा होने के कारण, यहाँ पे रेडिएशन के कारण, ठीक है ना, रेडिएशन के थ्रू बहुत ज़्यादा वेपरेशन होता है. तो वाटर बॉडीज़ के बारे में कहा गया यहाँ पे, द इवेपरेशन इन वाटर बॉडीज़ इज़ वेरी हाई इन दिस एरिया. इस एरिया में वाटर वेपरेशन क्या होता है, बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक होती है. ठीक है, नेक्स्ट, द क्लाइमेट इन दिस रीजन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर और होल ईयर. यानी इस एरिया में, कहाँ, इस एरिया में, ठीक है ना, इस एरिया में सीजन जो है या क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वह ऑलमोस्ट क्या होता है, एक जैसा रहता है सालों भर. क्या होगा, एक जैसा ही
बना रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होती है समर, रेनी, विंटर, बट यहाँ के इस रीजन के लोग, ठीक है, समर, विंटर और जो रेनी सीजन होता है उसको एक तरह ही फील करते हैं। वहाँ ना समर होता है ना विंटर होता है, एक जैसा। ठीक है, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन और सेम सीजन को वे लोग फील करते हैं। नेक्स्ट, दीज रीजन्स डू नॉट एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स। वही सेम चीज़ है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो रीजन है अलग अलग सीजन को फील नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, अब यह जो क्लाइमेटिक कंडीशन है यह किस किस एरिया में है, कहाँ पर है। इक्वाडोर, अभी मैंने मैप के ऊपर दिखाया वर्ल्ड का मैप को। ठीक है, मैप के, वर्ल्ड के मैप के ऊपर आप इसको देखिए। नंबर वन इक्वाडोर। अब इक्वाडोर कहाँ है, ये है हमारा इक्वाडोर, बिल्कुल इक्वेटर के पास। ठीक है, ये इक्वाडोर है। कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्री हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट, हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। ठीक है, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, कॉन्गो इज ऑल्सो कॉल्ड एज DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हेयर इज DRC और कॉन्गो। ओके, तो ये सब सारे जो रीजन है, हाँ, इसके बाद फिर इन एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जकार्ता एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर द कंट्री व्हिच फील्स द सेम सीजन थ्रू आउट द ईयर। सो नाउ फर्स्ट लेक्चर ऑन द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट एंड द टॉपिक वॉज क्लाइमेट इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल लाइफ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।